बड़े यूट्यूबर्स की तरह एंड इवन के मेरी तरह ऐसे बॉडीगार्ड्स अपने GTA 5 में कैसे स्पॉन करें। मे बी इससे पहले तुमने कई सारे बॉडीगार्ड्स लोड्स अपने GTA 5 में इंस्टॉल करे हो, लेकिन ऐसे बॉडीगार्ड्स हमें कहीं नहीं मिले होंगे, क्योंकि इन बॉडीगार्ड्स को अपने GTA 5 गेम में ऐड करने का कोई मोड नहीं है, बल्कि इन्हें मेन्यू ट्रेनर की मदद से बनाया जाता है। फिर अब टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है ना, आज मैं तुम्हें इन बॉडीगार्ड्स को अपने GTA 5 में कैसे ऐड करते हैं सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। यकीन करो, इन बॉडीगार्ड्स को अपने GTA 5 में लाना बहुत ही आसान है, बस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। अभी इसके लिए सबसे पहले हमें मेन्यू ट्रेनर की जरूरत है। अगर आपके पास पहले से ही मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, वरना अभी सबसे पहले हम अपना मेन्यू ट्रेनर मोड को इंस्टॉल करते हैं, देन उसके बाद में तुम्हें बॉडीगार्ड्स को स्पॉन करना सिखाता हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने मेन्यू ट्रेनर का लिंक दे दिया है, उसको सिंपली ओपन कर लो। ओपन कर लेने के बाद सिंपली हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर होगा लेटेस्ट, इस लेटेस्ट पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी फुल स्क्रॉल डाउन करके मेन्यू SP जिप वाला फाइल डाउनलोड कर लेंगे। नाउ अपने डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक को भी ओपन कर लेना है, एंड यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में डाउनलोड होगा इस स्क्रिप्ट क्विक को भी हम डाउनलोड कर लेंगे। अभी अपने थर्ड लिंक को ओपन करके यहाँ पर हम सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे। ये बेसिकली बेसिक मोड्स हैं, अगर हम इनको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो अपनी गेम में मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल नहीं होगा। वेल, तो अभी अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो हम सिंपली ऐसा करेंगे कि यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन है, इस लेटेस्ट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फुल स्क्रॉल डाउन करके script.net वाला zip फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अभी अपने तीनों फाइल्स डाउनलोड हो चुके हैं, जल्दी से हम अपनी गेम में इनको इंस्टॉल करते हैं। इन मोड्स को डाउनलोड कर लेने के बाद सबसे पहले हम अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी ओपन कर लेंगे। उसके बाद मेन्यू SP वाला अपना फर्स्ट मोड ओपन करके यहाँ से मेन्यू स्टफ एंड मेन्यू ASI इन दो फाइल्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। नाउ हम स्क्रिप्ट हुक V वाला मोड ओपन करेंगे, बिन वाले फोल्डर में जाएंगे एंड यहाँ से इन दो फाइल्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अभी हम अपना थर्ड मोड script.net वाला ओपन करेंगे एंड यहाँ से इन लास्ट वाले 6 फाइल्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। बस अपनी गेम में मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल हो चुका है, जल्दी से हम अपनी गेम को ओपन कर लेते हैं। गेम ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें कीबोर्ड में 2 times F8 प्रेस करना है, जिससे अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर डाउन एरो वाले बटन से ऑब्जेक्ट स्पूनर में चले जाएंगे, देन स्पॉन एंटिटी इन वर्ल्ड में जाएंगे, उसके बाद पेड में चले जाएंगे, देन यहाँ पर सर्च में आएंगे एंड यहाँ लिखेंगे फ्री। फ्री लिखकर सिंपली हम एक बार एंटर मारेंगे, उसके बाद अपने सामने ये दो पेज आ जाएंगे, फ्री मोड फीमेल एंड फ्री मोड मेल। तो हम ऐसा करेंगे, फ्री मोड मेल पर एंटर करेंगे तो आपके सामने एंड मेरे सामने देखो ये आ गया ब्लू कलर वाला पेड। अभी हमें बैक स्पेस बटन से मेन्यू को क्लोज कर लेना है, उसके बाद फिर से हम F8 प्रेस करके मेन्यू ओपन करेंगे, देन ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाएंगे, उसके बाद मैनेज एंटिटी डेटाबेस में चले जाएंगे। अभी हमें फ्री मोड मेल के ऊपर एंटर कर लेना है, उसके बाद यहाँ नीचे इनविंसिबल का ऑप्शन दिखेगा तो सिंपली इसे इंटर करके इनेबल कर लेंगे। अभी नीचे आएंगे, यहाँ पर होगा पेड ऑप्शन, तो सिंपली इसमें चले जाएंगे। रिलेशनशिप में इसको हम फ्रेंड कर देंगे एंड नीचे इस स्टिल ब्लॉक प्लेइंग में सिंपली इसको डिसेबल करके हम वार्डरोब में चले जाएंगे। यहाँ पर हमें बियर्ड एंड मास्क में चले जाना है। अभी टाइप में हमें राइट साइड वाले एरो से 54 नंबर रख लेना है। आप देखोगे तो अपने बंदे के ऊपर मास्क लग चुका है। अभी हम बैक स्पेस वाले बटन से एक बार बैक आएंगे, उसके बाद सिंपली लेग्स में चले जाएंगे, देन या टाइप में हमें सेम राइट साइड वाले एरो से 31 नंबर रख लेना है। नाउ हम एक बार बैक आकर शूज में चले जाएंगे एंड यहाँ पर टाइप में हमें 25 नंबर रख लेना है। भी फिर से एक बार बैक आ जाएंगे, उसके बाद टास्क एंड आर्मर में चले जाएंगे एंड एयर टाइप में हमें 16 नंबर को रख लेना है। उसके बाद हम डिशेस में चले जाएंगे, देन यहाँ पर हमें 2 नंबर रखना है। नाउ हमने फिर से बैक आकर टॉप 2 आउटर में चले जाना है, उसके बाद यह टाइप में हम 0 ही रहने देंगे एंड सिंपली
चेस्ट में हम 2 नंबर रख लेंगे। अभी आप देखोगे तो अपना बॉडी गार्ड रेडी हो चुका है। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि एक बार बैक आएंगे, दूसरी बार भी बैक स्पेस से बैक आ जाएंगे। अभी हम वेपन्स में चले जाएंगे, देन यहाँ आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसे वेपन दे सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, एजोल्ट राइफल्स में जाकर इसको AK-47 दे देता हूँ। अभी तुम देखोगे तो बॉडी गार्ड तो रेडी हो चुका है लेकिन हमें फॉलो नहीं कर रहा। तो हम ऐसा करेंगे, बैक आकर कंपेनियन सेव मैक्स डज नॉट सेव के पर सिंपली इंटर करके इसको इनेबल कर लेंगे। अभी आप देखोगे तो अब जहां भी जाओगे वहां तुमको ये बॉडीगार्ड फॉलो करेगा। एंड ऐसे ही हम बॉडीगार्ड्स बना सकते हैं। अभी देखते हैं बाहर जाकर के पुलिस से हम पंगा लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं, इसे टेस्ट करते हैं कि ये बॉडीगार्ड काम नहीं करता है, बस ऐसे ही हमें फॉलो कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बता लूं कि हम इन बॉडीगार्ड्स के सूट को सेव भी कर सकते हैं। हमें सिंपली ऐसा करना है कि F8 प्रेस बटन करके मेन्यू ट्रेनर ओपन करना है, देन स्पूलर मोड में चले जाएंगे, उसके बाद मैनेज एंटिटी डेटाबेस में, देन प्री मोड मेल के ऊपर एंटर करेंगे, उसके बाद बिल्कुल नीचे पेड ऑप्शंस में चले जाएंगे, देन वार्डरोब में जाकर आउटफिट्स में जाएंगे एंड यह सेव आउटफिट फाइल कर देंगे। अभी आप जो भी नाम चाहो उसका रख सकते हो, मैं बॉडीगार्ड रख रहा हूं तो इसको सिंपली बॉडीगार्ड लिखकर हम एंटर करेंगे। अभी आप देखोगे तो क्रिएट हो चुकी है बॉडीगार्ड नेम से। तो हम जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर बॉडीगार्ड्स वाले कपड़े आ जाएंगे। अभी मैं आपको एक ऐसा ही प्रीमोड मेल स्पॉन करके उसको बॉडीगार्ड वाला सूट पहना के दिखाता हूँ। ये मैंने प्रीमोड मेल स्पॉन कर लिया। अभी हम ऐसा करेंगे कि इस पर सिंपली स्पॉनर मोड से प्लस वाला आइकन रखकर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद पेड ऑप्शंस में चले जाएंगे, देन वार्डरोब में चले जाएंगे एंड हम आउटफिट में आकर बॉडीगार्ड में जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो अपने नॉर्मल बंदे के ऊपर बॉडीगार्ड वाला सूट आ जाएगा। वेल, तो यही था आज का वीडियो। बाकी फर्स्ट सीन में जो मैंने प्रोटोकॉल दिखाया था तो इस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। जल्दी से आप सब्सक्राइब चैनल को कर लो ताकि वो वीडियो आपको मिस ना हो जाए।